डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर कैपेसिटर की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये चैप्टर भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। हम अभी भी स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही डिस्कस करते रहेंगे। ये चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, बियॉन्ड डाउट। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ हम मूविंग चार्जेस के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का, ऐसा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, अभी हम कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे पानी के एक टैंक की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, 1000 लीटर का टैंक है, उसमें 1000 लीटर ही पानी आ सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, दिस रेफर्स टू हाउ मच चार्ज, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज अ कंडक्टर कैन होल्ड व्हेन इट इज एट ए गिवन पोटेंशियल। एक कंडक्टर जब एक गिवन पोटेंशियल पे हो, तो उस पोटेंशियल पे उसमें चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कोई भी एक कंडक्टर, जैसे ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, दोनों को हमने 100 वोल्ट पे रखा है और हम देखते हैं कि इस पर 100 वोल्ट पे दोनों है, लेकिन इस पर चार्ज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। दो कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे हैं, लेकिन सेम पोटेंशियल पे होने पे इसमें चार्ज ज़्यादा है, हम कहते हैं इट कैन होल्ड मोर चार्ज एज कम्पेयर टू दिस एट ए गिवन पोटेंशियल। हम कहते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है या इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड इन दिस वे। सपोज दिस इज अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप, इट इज़ हेल्ड एट पोटेंशियल वी, इसका पोटेंशियल वी है, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज क्यू। Then it is found that the charge that this conductor can hold at a potential is basically proportional to the potential. The quantity of charge that you can place on a conductor is proportional to its potential. इसके potential को double कर दें तो same conductor पर आप double quantity में charge रख सकते हो। इस conductor के potential को 1/3 कर दें तो same conductor पर आप 1/3 charge ही रख पाओगे। So charge held by a conductor is directly proportional to its potential and the proportionality constant is known as its capacitance. So we can write charge held by a conductor is directly proportional to its potential. The proportionality constant is known as the capacitance of the conductor. This particular conductor is holding charge Q. It is at potential V. What I am saying is Q is proportional to V. V double, तो Q भी double हो जाएगा। ऐसा हम कर ही नहीं सकते कि इस conductor के potential को 100 volt से 200 volt कर दिया और charge ना बदलें। इसका potential बढ़ेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, जब तक हम इस पर charge को ना बदलें। Q is always proportional to V and the proportionality constant is written as C. It is known as capacitance of the conductor. C is capacitance of the conductor. यहां पे एक जरूरी बात मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। इसको देखने के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसा सोचते हैं C is Q by V. अब मैंने पूछा कि एक कंडक्टर पे चार्ज को डबल कर दिया
एक कंडक्टर पे चार्ज को डबल कर दिया, बताओ उसका कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? तो मोस्टली मुझे आंसर मिलता है कि कैपेसिटेंस भी डबल हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है क्यू बाई वी। जी ये गलत है। कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। एक गिवन कंडक्टर के लिए सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक्चुअली में अगर आपने चार्ज को डबल किया तो भी डबल हो जाएगा। हम कह रहे हैं क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू डबल तो वी डबल, ये कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज। सो सी इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट, सी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ये कंडक्टर कॉपर है या एल्युमिनियम है। सी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर का शेप, ज्योमेट्री क्या है। ये स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, स्फीयर है तो बड़ा स्फीयर है या छोटा स्फीयर है। ये कैपेसिटेंस एक प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर के सराउंडिंग में मीडियम क्या है। बट ओके, वी विल अज्यूम दैट सराउंडिंग मीडियम इज वैक्यूम और एयर, एंड इफ इट इज सो देन कैपेसिटेंस इज समथिंग विच डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है या किसी और शेप का है, और अगर स्फेरिकल है तो उसका साइज क्या है, ऐसी चीज़ों पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। सो कैपेसिटेंस इज ए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। And depends on the shape and size of a conductor. Capacitance is a geometrical quantity and it only depends on shape and size of a conductor, nothing else. इसका यूनिट जो है, इट इज ऑब्वियसली कूलम पर वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट। दो साइंटिस्ट के नाम अगर एक ही यूनिट में आ जाए तो हम हमेशा बदल के इस यूनिट को बदल के इसका नाम तीसरे साइंटिस्ट के नाम पर रख देते हैं। जी हाँ, कैपेसिटेंस के यूनिट को हम फैराड कहते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नोन एज फैराड, कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। एंड लेट मी टेल यू, वन फैराड इज टू बिग ए कैपेसिटेंस। यूजुअली डेली लाइफ में जो कंडक्टर्स हमें मिलते हैं उनका कैपेसिटेंस वन फैराड शायद कभी नहीं होगा। वन फैराड इज ए ह्यूज कैपेसिटेंस, इट इज अ बिग कैपेसिटेंस। कहने का मतलब, डेली लाइफ में जो कंडक्टर्स हम एनकाउंटर करते हैं, अगर उनको वन वोल्ट पोटेंशियल पर रखें तो किसी कंडक्टर के ऊपर एक कूलम चार्ज रखना पॉसिबल नहीं होगा। वन वोल्ट पोटेंशियल और वन कूलम चार्ज अगर हो तो कैपेसिटेंस वन फैराड होगी। पर मैं कह रहा हूँ वन वोल्ट बहुत छोटा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल पे वन कूलम चार्ज कोई कंडक्टर होल्ड करे यह होता नहीं है। तो वन फैराड इज ए ह्यूज कैपेसिटेंस एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स आर माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, लाइक दैट। सो वन फैराड इज a large capacitance and practical units are millifarad. Milli bhi bahut bada ho gaya, in fact abhi thodi der mein aap dekhenge. Microfarad, nanofarad, picofarad. Picofarad is 10 to the power minus 12 farad. Nanofarad is 10 to the power minus 9 फराड। माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6 फराड। मिली इज 10 टू द पावर माइनस 3 फराड। सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नोन एज फराड, एंड माइक्रो, नैनो एंड पीको आर मोस्ट कॉमन यूनिट्स दैट आर यूज्ड। इफ आई गिव यू अ कंडक्टर ऑफ सम ऑड शेप लाइक दिस वन, एंड इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस तरह के कैपेसिटर नहीं, कंडक्टर, इस तरह के कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो अगर मैं ऐसा आपसे कहता हूँ, तो इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। कैसे कैलकुलेट करें?
स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसके लिए हम कैपेसिटेंस एक स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं. कंसिडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर. दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर. ओके, सपोज यू प्लेस चार्ज क्यू ऑन इट. यू कैन इजिली राइट इट्स पोटेंशियल. यू ऑलरेडी नो दैट. एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू है, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा और इस पूरे कंडक्टर का एक ही पोटेंशियल होता है, दैट इज 1/4 pi epsilon 0. एक स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज क्यू दिया आपने, कंडक्टर का रेडियस आर है, तो उसका पोटेंशियल 1/4 pi epsilon 0 क्यू बाय आर होता है. वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. तो यहाँ से हम बहुत आसानी से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस लिख सकते हैं. कैपेसिटेंस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय इट्स पोटेंशियल. ये कैपेसिटेंस C is equal to Q by V. तो यहाँ से अगर हम Q by V कैलकुलेट करें तो हमें कैपेसिटेंस मिला 4 pi epsilon 0 R. तो एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस R है, उसका कैपेसिटेंस 4 pi epsilon 0 R होता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने बड़े रेडियस का हम स्फीयर लेंगे, जितने बड़े रेडियस का कंडक्टर हम लेंगे, उतना ही बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा. कितना बड़ा कंडक्टर इमेजिन कर सकते हो तुम? जस्ट इमेजिन ए बिग कंडक्टर. हाउ बिग ए कंडक्टर यू कैन थिंक ऑफ? मे बी द साइज ऑफ द अर्थ. अर्थ इटसेल्फ इज ए कंडक्टर. सो एज्यूम दैट, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ रेडियस इक्वल टू 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 × 10⁶ मीटर. सो कंसिडर ए कंडक्टर हैविंग साइज एज बिग एज द अर्थ. वट विल बी इट्स कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ सच ए कंडक्टर विल बी 4 pi epsilon 0 R. वट इज 4 pi epsilon 0? 1/4 pi epsilon 0 इज 9 × 10⁹. 1/4 pi epsilon 0 इज 9 × 10⁹. Therefore, 4 pi epsilon 0 is 1/9 × 10⁹ multiplied with radius. इसको अगर आप कैलकुलेट करें 6.4/9, तो रफली 7.1 × 10⁻³⁻³ फराड. देखिए, रादर इट विल बी वेरी सॉरी 0.71 × 10⁻³⁻³ फराड. सो दिस नॉट इवन 1 mF. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इतना मिली फराड है. देयर इज नॉट इवन 1 mF. एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है. एक स्फेरिकल कंडक्टर का जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा कैपेसिटेंस. कितना बड़ा कंडक्टर हो सकता है भाई? इससे बड़ा तो इमेजिन ही नहीं कर सकते. तो बड़े से बड़े कंडक्टर के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी 1 F नहीं पहुंच पा रहा है. इनफैक्ट 1 mF भी नहीं पहुंच पा रहा है. दैट इज व्हाई आई सेड दैट 1 F इज अ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस. यूजुअली किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 F होगा, सोचना बेवकूफी है, नहीं होगा. सो इफ द कंडक्टर इज ऑफ एनी अदर ज्योमेट्री अपार्ट फ्रॉम स्फेरिकल, इफ इट इज ऑफ सम इरेगुलर शेप, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस लाइक दिस. बट ऑफकोर्स वन कैन मेजर इट्स कैपेसिटेंस इन लेबोरेटरी. कोई एक गिवन कंडक्टर है किसी भी ऑड शेप का, उसका कैपेसिटेंस हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं. इन प्रिंसिपल हमें क्या करना है कि हमने उस कंडक्टर पे एक नोन चार्ज क्यू रखा और उसका पोटेंशियल मेजर किया. क्यू बाई बी को हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहेंगे. पर हर शेप के कंडक्टर के लिए आप पेपर पे कैलकुलेट करने को कहोगे कैपेसिटेंस तो शायद पॉसिबल नहीं होगा. स्फेरिकल कंडक्टर एक बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है जिसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर पाए. ओके, नाउ
हमने पिछले चैप्टर में एक स्फेरिकल कंडक्टर या एक स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी। उसका मीनिंग था कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन सभी चार्ज पार्टिकल्स का आपस का इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, 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 सभी के इंटरेक्शन की एनर्जी का सम हमने एक फार्मूला बनाया था क्यू स्क्वायर बाई एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। इन जनरल हमें कैपेसिटेंस के टर्म्स में किसी भी कंडक्टर के लिए, नॉट ओनली स्फेरिकल, किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस के टर्म्स में हम उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। वी विल थिंक लाइक दिस। देखिए क्या सोचना है हमें कि एक खाली कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और अब एक सेम कंडक्टर के ऊपर हमने क्यू चार्ज रख दिया। ये खाली कंडक्टर है और ये क्यू चार्ज वाला कंडक्टर है। तो जैसे ही हमने कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू रखा, इन चार्ज पार्टिकल्स के आपस के इंटरेक्शन की जो एनर्जी है उसको हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहेंगे। तो उस एनर्जी की वैल्यू क्या है हमें ये सोचना है कि एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है सी, हमने लैब में मेजर कर लिया, वी नो इट्स कैपेसिटेंस। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता है, अगर उस पर हम क्यू चार्ज लाकर रखते हैं तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज बेसिकली। तो जो हमने एक स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट की थी उसमें दो मेथड आपको मैंने बताए थे। एक मैंने हर चार्ज पार्टिकल के इंटरैक्शन को अलग से काउंट किया था, सबको जोड़ा था, हर इंटरैक्शन हमने दो बार काउंट कर लिया था इसलिए टू से डिवाइड किया था, एक मेथड ये था। और एक मेथड था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अज्यूम करो कि ये कंडक्टर खाली है और हम इन्फिनिटी पे जाते हैं, एक छोटा सा चार्ज डी क्यू लाकर इस पर देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं कहीं और एक डी क्यू चार्ज और कैरी करके लाते हैं, यहाँ रख देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं एक डी क्यू चार्ज लाकर यहाँ रख देते हैं, फिर इन्फिनिटी पे जाते हैं एक डी क्यू चार्ज यहाँ लाकर रख देते हैं। ऐसा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज भरते गए जब तक इस पर चार्ज क्यू नहीं हो गया। इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मैंने जो वर्क किया वही इस सिस्टम की एनर्जी है, ऐसा हमने कहा था। तो इस वाले मेथड को यूज़ करके हम इस कंडक्टर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी के जैसा है, सिर्फ हम यहाँ पे कैपेसिटेंस के टर्म्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे। हम ऐसे सोचेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द कंडक्टर इज चार्ज्ड बाय bringing infinitesimally small amount of charge from infinity and placing it on the conductor. Let us assume that the conductor is charged by bringing infinitesimally small amount of charge from infinity and placing it on the conductor. The process is continued till the charge on conductor becomes Q. The charge on the conductor becomes Q. ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन है जो आपसे स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी ने बल्कि एक डाउट रेज किया था कि स्कूल एग्जाम जब मैं बोलता हूँ उसका क्या मीनिंग। ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम भाई, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन हैं ये। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर बिकम्स कैपिटल Q. Now let us consider an intermediate situation. Intermediate, हम charging का process चल रहा है, DQ, DQ, DQ charge लाकर मैं रखता जा रहा हूँ और अभी इस conductor के ऊपर Q charge हो चुका है। So consider a stage when conductor has already got Q charge on it. When charge is Q,
the potential of the conductor will be 1 by 4 pi epsilon 0, potential of the conductor will be, I do not know its value because it is not spherical. So, I will write potential of the conductor will be Q by C, that is all. C is capacitance, spherical capacitance, spherical conductor ho to formula pata hai. पर किसी ऑड शेप के कंडक्टर के लिए मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता। हाँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू लैब में मेजर हो सकती है, वो मेजर की गई है और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस सी है। क्यू चार्ज जब इस कंडक्टर के ऊपर रखा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? आंसर है क्यू बाई सी। सी क्या होता है? क्यू बाई वी। सो पोटेंशियल इज क्यू बाई सी। सो व्हेन चार्ज इज क्यू, पोटेंशियल इज दिस मच। नाउ अब मैं फर्दर डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाकर इस कंडक्टर पर रखता हूँ। डी क्यू रखता जा रहा हूँ। अभी तक चार्ज स्मॉल क्यू हो चुका है, अभी पोटेंशियल इतना है। अब नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को यहाँ ला कर रखने में मैंने कितना वर्क किया? वर्क डन इन प्लेसिंग अ फर्दर डी क्यू चार्ज ऑन द कंडक्टर। Yes, work done in placing a further DQ charge on the conductor is, obviously, it will be equal to VDQ. कैसे लिखा मैंने? इस कंडक्टर का पोटेंशियल V है। Q चार्ज को V वोल्ट वाले पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ, किसी चार्ज Q को ऐसे पॉइंट पर लाकर रखता हूँ जिसका पोटेंशियल है V, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू V। इन्फिनिटी से Q चार्ज को ऐसे पॉइंट पर लाना है जिसका पोटेंशियल है V। उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब वो इन्फिनिटी पे था तो जीरो थी, जब V वोल्ट वाले पॉइंट पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई क्यू वी। तो मैंने कितना वर्क किया उस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में? क्यू वी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे था, उसकी एनर्जी कितनी थी? जीरो। इस डी क्यू चार्ज को यहाँ लाकर रखा, यहाँ की पोटेंशियल है वी, तो इस डी क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? आंसर है वी इंटू डी क्यू। यही मेरा वर्क डन है इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। अब मैं वी को लिख सकता हूँ यहाँ से क्यू बाई सी। इसलिए मेरा वर्क डन इतना है। वर्क डन इन असेंबलिंग चार्ज क्यू ऑन द कंडक्टर। क्या कर रहा हूं मैं? कंडक्टर खाली था, कोई चार्ज नहीं था, डी क्यू चार्ज लाकर रखा, फिर डी क्यू रखा, फिर डी क्यू रखा, फिर डी क्यू रखा, फिर डी क्यू रखा, इन्फिनिटी से डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐड करते करते फाइनल चार्ज को कैपिटल क्यू करना है। तो टोटल चार्ज को जीरो से क्यू तक बढ़ाने में मैंने कितना वर्क किया? आंसर है हर डी क्यू को लाने में मैंने जो वर्क किया है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। पहला वर्क डन पहला डी क्यू को लाया, दूसरे डी क्यू को लाया, तीसरे को लाया, चौथे को लाया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, सब वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल स्मॉल वर्क डन्स, इंटीग्रेट ऑल स्मॉल वर्क डन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा, क्यू की वैल्यू पहले जीरो थी और एंड में कैपिटल क्यू हो गई। तो वर्क डन जो है इसको इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं कैसे करना है, क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया। सो ये वर्क डन है, दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। ये कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज रखा है, इस सिस्टम की चार्ज सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यही है। So we write electrostatic energy U will be equal to this work done Q square by 2C. ध्यान देना, ये कंडक्टर है, कैपेसिटेंस C है, इसके ऊपर फाइनली चार्ज कैपिटल Q है, तो इस चार्ज सिस्टम की एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो Q square by 2C, इस कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी है। अगर Q चार्ज रखने से हमारे इस कंडक्टर का पोटेंशियल V है, अगर Q चार्ज रखने से फाइनली हमारे कंडक्टर का पोटेंशियल V है,
तो हम इसको वी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सी कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर पे क्यू चार्ज रखा है, किसी क्वेश्चन में लिखा है कि सी कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल वी है। तो अगर पोटेंशियल वी है तो क्यू को हम वी के टर्म्स में लिखते हैं, क्यू की जगह सी वी लिखते हैं, तो ये बन गया हाफ सी वी स्क्वायर। एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल वी है उस पर इतना ही चार्ज होगा और कुछ नहीं हो सकता। एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल वी है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, या एक कंडक्टर जिस पे चार्ज क्यू है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी है, एक ही बात है दोनों। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर। जब बात स्फेरिकल कंडक्टर की होती है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अभी अभी हमने पढ़ा 4πε0r होता है। तो C की जगह पे अगर 4πε0r लिखेंगे तो ये बन जाएगा Q square by 8πε0r, और ये फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में डिराइव किया हुआ है फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। फॉर ए स्फेरिकल शेल अगर उसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज Q square by 8πε0r। ये जनरल फार्मूला है विच इज एप्लीकेबल फॉर एनी कंडक्टर वट एवर बीट्स से। अगर उसका कैपेसिटेंस सी है, उस पर चार्ज क्यू है उसकी एनर्जी है, या उसका पोटेंशियल वी है उसका कैपेसिटेंस सी है, तो हम उसकी एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ही स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में चार्ज शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि दो स्फेरिकल कंडक्टर को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो उनके बीच में चार्ज का लेन देन तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, पर दो कंडक्टर अगर सेम पोटेंशियल पे नहीं है, उनको आपने कनेक्ट कर दिया, उनके बीच में चार्ज का लेन देन होता है। तो जब कंडक्टर स्फेरिकल हैं तो वैसे केस को हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था और पढ़ा था कि एक कंडक्टर पे अगर एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको दूसरे से जोड़ दिया जिस पे वाई अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो जोड़ने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा। अगर आप उस बात को वहाँ नहीं समझ पाए थे तो ये फिर से मौका है, यहाँ समझेंगे। यहाँ हम स्फेरिकल कंडक्टर नहीं, किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है। ऐसे दो कंडक्टर को अगर आपस में कनेक्ट करें तो चार्ज फाइनली क्या होगा, ये देखिए। अगर वहाँ उस टॉपिक को नहीं समझ पाए थे तो यहाँ समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ ये एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है सी वन, मान लो इसका पोटेंशियल है वी वन। क्वेश्चन में लिखा है ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी वन हैज़ बीन चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल वी वन। इसका मतलब इस पर तब तक चार्ज रखा गया जब तक इसका पोटेंशियल वी वन नहीं हो गया। इस पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, आंसर है सी वन वी वन। एक दूसरा कंडक्टर है, इट इज एट पोटेंशियल वी टू, इस पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, आंसर है सी टू वी टू। दोनों के पोटेंशियल लेटस से डिफरेंट है। अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है, वी वन और वी टू सेम है, इनको अगर आप एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, नथिंग विल हैपन, नो चार्ज विल मूव। चार्ज फ्लो हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम अज्यूम करते हैं कि वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू। ऐसे केस में अगर आपने इन दोनों कंडक्टर को टच किया और अलग कर दिया या वायर से कनेक्ट कर दिया तो इनके बीच में एक चार्ज का फ्लो होगा। वी आर अज्यूमिंग कि ये कंडक्टर एक दूसरे से काफ़ी दूर रखे हैं, इस चार्ज की वजह से इसके पोटेंशियल पर कोई असर नहीं है, इस चार्ज की वजह से उसके पोटेंशियल पर कोई असर नहीं है। सो दीज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कनेक्टेड मीन्स कनेक्टेड यूजिंग कंडक्टिंग वायर। चार्ज फ्लो हैपन्स टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल।
दोनों के बीच में चार्ज का लेन देन होगा जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता, ये C1, ये C2, आपने जोड़ दिया। लेट अस एज्यूम कि फाइनली हमने देखा कि इस कंडक्टर के ऊपर स्मॉल Q1 चार्ज है और इस कंडक्टर के ऊपर स्मॉल Q2 चार्ज है। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट? चार्ज फ्लो बंद हो चुका, नाउ एवरीथिंग इज स्टैटिक। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, बोथ मस्ट हैव सेम पोटेंशियल, लेट अस कॉल दैट कॉमन पोटेंशियल एज वी। इसका पोटेंशियल भी वी है, इसका पोटेंशियल भी वी है। अभी वी वन वी टू था, चार्ज का लेन देन होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, नाउ दिस सिचुएशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिगिनिंग में भी सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जैसे ही वायर से कनेक्ट किया चार्ज मूव किया, ये मूविंग चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, द सिचुएशन इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक नहीं है सब कुछ, चार्ज मूव करें बट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड चार्ज यहाँ आ गया और एडजस्ट हो गया, करंट फ्लो स्टॉप्स। नाउ बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा उसी समय चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो मान लीजिए हमसे कहा गया कि फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकालो, इन दोनों कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालो, हम क्या करेंगे? हम इसेंशियली वही दो स्टेप करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में किया था। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जब कंडक्टर स्फेरिकल शेप के हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टर किसी भी शेप के हैं, कैपेसिटेंस पता है C1 और C2, फाइनल चार्ज Q1 Q2, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम है। इसका पोटेंशियल होगा क्या? Q बाई सी, ये डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का, C इज Q बाई वी, सो V इज Q बाई सी। और जो दूसरा कंडक्टर है उस पे चार्ज अगर Q2 है, उसका पोटेंशियल ये है। दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, इसका मीनिंग Q1 बाई Q2 C1 बाई C2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, तभी पोटेंशियल सेम होगा। Q1 बाई Q2 मस्ट बी इक्वल टू C1 बाई C2, देन ओनली पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर्स विल बिकम सेम। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो Q1 प्लस Q2 था इट विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ से कुछ चार्ज वहाँ गया बट द होल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इनिशियली इस सिस्टम पे था वही फाइनली भी हमें देखने को मिलेगा। इफ वी आर अज्यूमिंग कि चार्ज का कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ है, चार्ज आपकी बॉडी पे नहीं आया, इसी सिस्टम पे कहीं है, इन दोनों के बीच में ही कहीं है, देयर इज नो एवेन्यू ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम लिख सकते हैं फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। सो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, यहाँ ध्यान देना, इसको आप चाहो तो ऑफकोर्स C1 V1 और C2 V2 लिख सकते हो, बाद में लिख देंगे, अभी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। चलो इसी को सेकेंड इक्वेशन लिखो। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये दो अननोन है Q1 Q2 X Y, इनका रेशियो पता है और इनका सम पता है, X प्लस Y इतना है, ये नंबर पता है, दिस इज अ फिक्स नंबर। तो Q1 बाई Q2 इतना है और Q1 प्लस Q2 इतना है, यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट Q1 एज वेल एज Q2। सो सॉल्विंग वन एंड टू गिव्स अस, ऐसा लिख देता हूं, देखिए दिस द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा हमने, एंड ऑफ कोर्स आप Q1 और Q2 की जगह C1 V1 C2 V2 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा Q1 इज C1 V1, Q2 इज C2 V2, ऐसे यहां भी लिख सकते हैं आप,
इन बातों को याद करने का बेसिकली ये मैथमेटिक्स बहुत एलिमेंट्री है, आप सिर्फ एक सेंटेंस याद करेंगे तो ये रिजल्ट याद हो जाता है। सेंटेंस क्या है ये, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू कंडक्टर्स इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन दीज टू कंडक्टर्स इज इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना ही याद करना है। टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, उसके टोटल C1 प्लस C2 हिस्से किए आपने, उसमें से C1 हिस्सा दे दिया इसको, और इसको देख के Q1 प्लस Q2 चार्ज था, उसके टोटल C1 प्लस C2 इतने टुकड़े किए आपने और C2 हिस्सा इसको दे दिया। ऐसे क्विकली आप सोच सकते हैं इस रिजल्ट को। द फाइनल कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कंडक्टर्स V कैन बी इजिली रिटन एज फाइनल कॉमन पोटेंशियल, द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द टू कंडक्टर्स कैन बी इजिली रिटन एज Q1 बाई C1 और Q2 बाई C2। तो दिस Q1 बाई C1 करेंगे तो क्या मिलेगा, Q1 बाई C1 करेंगे, Q1 बाई C1 दिस बाई दिस, या Q1 बाई C1 करेंगे क्या मिलेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ऐसा लिख दे रहा हूँ, फाइनल कॉमन पोटेंशियल Q1 बाई C1 ये C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये याद कर लें। क्या याद कर लें, दो कंडक्टर थे, एक का पोटेंशियल V1 था, एक का V2 था, दोनों को वायर से जोड़ दिया, दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, आंसर है C1 V1 प्लस C2 V2। ये क्वांटिटी क्या है, ये टोटल चार्ज है सिस्टम में, ये पहले कंडक्टर पे चार्ज है कैपिटल Q1, ये दूसरे कंडक्टर पे चार्ज है कैपिटल Q2। ये टोटल चार्ज है अवेलेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, ऐसा याद कर लो भाई, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ V, फाइनल कॉमन पोटेंशियल। अब V याद हो गया तो बाकी तो बहुत आसान है, इस पे चार्ज लिखना है C1 इंटू V, उसको C1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस कंडक्टर पे चार्ज हो गया, और इस पे चार्ज लिखना है तो इट इज C2 इंटू V, C2 इंटू V, वो V पता है तो C2 इंटू V भी पता है। तो इस तरीके से आप दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल और उन पर आने वाले चार्ज की वैल्यू को आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, सपोज दिस कंडक्टर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफराड एंड दिस इज अनदर कैपेसिटर एज ए कंडक्टर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफराड, राइट, दिस वॉज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड This was charged to a potential of 20 volt and this was charged to a potential of 5 volt. एक कंडक्टर 20 वोल्ट पे था, एक कंडक्टर 5 वोल्ट पे था, मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज था जिससे इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था, इस पे भी कुछ चार्ज था और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट था। Now the two conductors are connected. The conductors are connected. Find their final potential. First question and the second question is, what is loss in electrostatic energy of the system? What is loss in electrostatic energy of the system? This is the second question. अभी हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, दूसरे पे थोड़ी देर से आते हैं, पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, जब आपने इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो गया,
इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी Q1, इसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी Q2, चाहे तो आप लिख सकते हैं। फाइनल कॉमन पोटेंशियल जानने के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया और याद किया है, यह है फाइनल कॉमन पोटेंशियल। फाइनल कॉमन पोटेंशियल सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू। सी वन वी वन क्या है, इस पे ओरिजिनली कितना चार्ज था, सो वन माइक्रो फराड इंटू 20 वोल्ट। सी इंटू वी, सी इंटू वी 2 माइक्रो फराड इंटू 5 वोल्ट, ध्यान देना माइक्रो फराड इंटू 20 वोल्ट। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज कितना होगा, 20 कूलम नहीं, 20 माइक्रो कूलम, क्योंकि यहां एक माइक्रो है 10^-6। दिस इज 1 × 10^-6 फराड इंटू 20 वोल्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चार्ज हुआ है 20 माइक्रो कूलम है। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज 10 माइक्रो कूलम है, ये माइक्रो कूलम में चार्ज है, डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू 1+2, तो ये माइक्रो फराड में कैपेसिटेंस है। तो न्यूमरेटर में भी एक 10^-6 है, डिनोमिनेटर में भी एक 10^-6 है, दैट मीन्स माइक्रो के यूनिट में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। ऊपर माइक्रो कूलम है, नीचे माइक्रो फराड है, 10^-6 ऊपर भी है नीचे भी है, सो लेट अस नॉट वरी अबाउट इट, वो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, 20+10 30/3 ये हो गया 10 वोल्ट। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था, इसका 5 वोल्ट, जब आप इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का मूवमेंट होगा और दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट पोटेंशियल पे आके अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब चार्ज का मूवमेंट रुक गया, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज। कोई पूछे कि इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है, फाइनली बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, सी वन इंटू बी 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 1 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज है, और इस पे फाइनल चार्ज कितना है बताइए, 2 माइक्रो फराड, और पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट दोनों का, तो 20 माइक्रो कूलम, इस पे 20 माइक्रो कूलम चार्ज है और इस पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज, 20+10 टोटल 30 माइक्रो कूलम चार्ज है, ओरिजिनली भी 30 माइक्रो कूलम चार्ज था सिस्टम, ठीक है। सो आप चार्ज भी लिख सकते हैं ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज Q1 की वैल्यू हो गई C1 1 माइक्रो फराड इंटू V 10 वोल्ट, दैट इज 10 माइक्रो कूलम। Q2 इज C2V 2 माइक्रो फराड और फाइनल पोटेंशियल 10 वोल्ट 20 माइक्रो कूलम। चार्ज पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं। अब पूछा गया है व्हाट इज लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। देखो अगर तुम इस सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करो और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करो तो पाओगे कि इनिशियली चार्ज सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी थी, फाइनली कम है, एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे कम कैलकुलेट करनी है, देखिए इनिशियल एनर्जी मतलब वो सिस्टम, ऊपर वाले सिस्टम जब तार से नहीं जोड़ा है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2C या 1/2 CV² अभी पढ़ा था, उसकी एनर्जी कितनी है 1/2 CV² कैलकुलेट करते हैं, 1/2 C1 V1² उसकी एनर्जी 1/2 C2 V2² यही इनिशियल एनर्जी सिस्टम, 1/2 C1 V1² और 1/2 C2 V2² और फाइनली क्या एनर्जी है, आंसर है 1/2 C1 V² 1/2 C2 V² क्यों, इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी, 1/2 C1 V² 1/2 C2 V² हम देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, पहले ज्यादा एनर्जी थी अब कम हो गई। देखिए 1/2 C1 V² 1 माइक्रो फराड इंटू 20² V² C1 V1² सो 1 इंटू
20 स्क्वायर, यहाँ मन में लिखेंगे या नहीं लिख रहा हूँ, मैं दिमाग में रखेंगे कि माइक्रो जूल में एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि सी जो लिखा वो 1 माइक्रो फराड 10^-6 है, और वी जो लिखा है वो वोल्ट में लिखा है 20 स्क्वायर, तो ये माइक्रो जूल में एनर्जी है, दिस इज इन माइक्रो जूल। सिमिलरली सबको हम माइक्रो जूल यूनिट में ही लिख लेते हैं। सी टू कितना है? 2 माइक्रो फराड। वी टू कितना है? 5 वोल्ट। तो 2 माइक्रो फराड इंटू 5 स्क्वायर, ये भी माइक्रो जूल में, माइनस हाफ। सी वन कितना है? 1 माइक्रो फराड। वी कितना है? फाइनल पोटेंशियल, फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। सी टू कितना है? 2 माइक्रो फराड। फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो इन दोनों कंडक्टर की फाइनल एनर्जी हाफ सी वन वी स्क्वायर वी मतलब 10, उसकी भी हाफ सी टू वी स्क्वायर वी मतलब 10। तो आप देखोगे ये 400 by 2 200 और 25, 225 माइनस ये 100 by 250 और 100 150, प्लीज चेक कर लो सही है कि नहीं, 50 और 100 150 और 25 और 225, सो दिस 75। पूरा यूनिट क्या था? माइक्रो जूल। माइक्रो जूल क्यों है, समझ में आया ना? तो 75 माइक्रो जूल एनर्जी गायब हो गई। पहले जो एनर्जी थी सिस्टम में वायर जोड़ने के पहले वो 225 माइक्रो जूल एनर्जी थी, और वायर से कनेक्ट करने के बाद अब जो एनर्जी है इस सिस्टम में उसकी वैल्यू 150 माइक्रो जूल है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 75 माइक्रो जूल है। 75 माइक्रो जूल एनर्जी खो गई। कहाँ गई है एनर्जी? कहाँ गई है एनर्जी? तो आपने एटलीस्ट जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी किसी वायर में, जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट होता है, करंट होता है, जब भी करंट होता है तो हीटिंग होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसी चीज़ यहाँ पे हुई है, ध्यान दीजिए। जैसे ही अपने इन दोनों को जोड़ने के लिए ये स्विच बंद किया, वायर से कनेक्ट किया, मान लो ये हाई पोटेंशियल पे था, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। ये हाई पोटेंशियल पे था, पॉजिटिव चार्ज जूम ऐसा चला, मींस इस वायर में, इन कंडक्टर्स में करंट हुआ, चार्ज का मूवमेंट हुआ। जैसे ही चार्ज का मूवमेंट होगा, मींस करंट हुआ, तो हीटिंग होगी। तो ये जो एनर्जी गायब हो गई, ये एक्चुअली इट विल अपीयर एज हीट। ये वायर गर्म हो जाएगी, ये कंडक्टर्स भी गर्म हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी चार्ज का मूवमेंट हुआ है, दैट मीन्स करंट था। सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट एज, प्रीडोमिनेंटली लॉस्ट एज हीट। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो इज रेडिएटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, बट प्रीडोमिनेंटली मेजर पोर्शन जो है वो हीट के फॉर्म में ही लॉस होगा, अभी आप ऐसा समझें। सो दिस एनर्जी अपियर्स एज हीट, राइट? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि एक चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c होती है। फिर हमने पढ़ा कि दो कंडक्टर को अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में चार्ज की शेयरिंग कैसे होती है, किस पे कितना चार्ज आएगा, फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज का मूवमेंट हुआ इसमें हीट डेवलप होता है। और आपसे कोई पूछे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, सो यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, इट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी जनरेटेड इन दिस सिस्टम आफ्टर द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। I think now we are ready to discuss what exactly is a capacitor. अब हम कैपेसिटर समझते हैं कि what exactly is a capacitor. तो theoretically a capacitor is simply a system comprising of two conductors kept at a separation. दो कंडक्टर एक सेपरेशन पर रखे हों, in between
देर इज इंसुलेशन, आइदर देर इज नो मीडियम और जो भी मीडियम है उनके बीच में वो इंसुलेशन है. टू कंडक्टर्स केप्ट एट अ सेपरेशन मेक्स ए कैपेसिटर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज ए कैपेसिटर? ए कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट एट ए सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स बिटवीन देम देर इज एन इंसुलेशन और देर इज नो मीडियम. नो मीडियम इज द बेस्ट इंसुलेटर. कोई भी दो कंडक्टर, एनी टू कंडक्टर्स केप्ट एट ए सेपरेशन, दिस सिस्टम इज नोन एज ए कैपेसिटर. इन दो में से वन ऑफ द कंडक्टर्स होल्ड्स लेट अस ए क्यू चार्ज एंड द अदर वन होल्ड्स माइनस क्यू चार्ज. सो कैपेसिटर इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट एट ए सेपरेशन. द कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन देम. दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर. व्हाट एग्जैक्टली इज ए कैपेसिटर? ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट एट ए सेपरेशन एंड द टू कंडक्टर्स आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन देम. दोनों कंडक्टर के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज है. This system is known as a capacitor. Now, let us assume that these two conductors have a potential difference V between them. In dono conductors ke potential mein V volt ka difference hai. Is conductor ka potential hai V plus, is conductor ka potential hai V minus. So, potential difference between the two conductors is basically difference in potential of these two. That's all. A potential minus A potential, this is known as potential difference between two conductors. If somebody asks you what is charge on capacitor, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट जीरो. आप कह सकते हैं कि इस पर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज जीरो नहीं. टोटल चार्ज तो जीरो है ही, ऑब्वियस ही बात है. कैपेसिटर का डेफिनेशन ये है कि दो कंडक्टर एक गैप पे रखें, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज. टोटल चार्ज तो जीरो है ही, बट व्हेन समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ही इज बेसिकली आस्किंग यू कि ये प्लस टू माइक्रो कूलम माइनस टू माइक्रो कूलम है या प्लस फाइव माइनस फाइव है या प्लस टेन माइनस टेन है. प्लस टेन माइनस टेन होने से भी नेट जीरो है, प्लस फाइव माइनस फाइव होने से भी नेट जीरो है. सो जीरो इज नॉट दी चार्ज ऑन कैपेसिटर. एक्चुअली कैपेसिटर के पॉजिटिव कंडक्टर पे जो चार्ज है दैट इज नोन एज चार्ज ऑन दी कैपेसिटर. इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है पूछने से आंसर है क्यू. वी डोंट से चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो. चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर इज नोन एज चार्ज ऑन दी कैपेसिटर. एंड ये कंडक्टर के शेप कुछ भी हो, दे आर यूजुअली रेफर टू एज प्लेट ऑफ द कंडक्टर. इसको हम पॉजिटिव प्लेट ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं. भले ही ये स्फेरिकल हो लेकिन इसको प्लेट ही कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर. दीज टू कंडक्टर्स आर नोन एज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इट इज डिफाइंड एज क्यू बाई वी. थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, जो कंडक्टर था एक आइसोलेटेड कंडक्टर, अकेला कंडक्टर, उस पर चार्ज क्यू रखा, उसका पोटेंशियल वी है. क्यू बाई वी को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं. हम यहाँ आइसोलेटेड कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं. एक पेयर ऑफ कंडक्टर है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू इज नोन एज चार्ज ऑन दी कैपेसिटर. दोनों के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, इट इज नॉट पोटेंशियल ऑफ दिस और पोटेंशियल ऑफ दिस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम इज डिफाइंड एज क्यू बाई वी. क्यू इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ कंडक्टर्स. ऑब्वियसली इसका यूनिट तो ही होगा फैराड बिकॉज कूलम बाई वोल्ट. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकेला कंडक्टर चार्ज क्यू पोटेंशियल वी, क्यू बाई वी को कैपेसिटेंस कहते हैं. ये अकेला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का पेयर, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी. कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज डिफाइंड एज क्यू बाई वी, इट्स यूनिट इज ऑफकोर्स फराड, राइट. कंफ्यूज मत होइए प्लीज कंडक्टर और कैपेसिटर में. नाउ ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं इनका शेप क्या है, इसकी बेसिस पे हम अक्सर कैपेसिटर को नाम देते हैं. सो अगर ये दोनों कंडक्टर रियली में प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हेल्ड पैरेलल टू वन अनदर, ये दो मेटेलिक प्लेट्स एक दूसरे के सामने अगर ऐसे रखे हैं तो हम इस कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दो मेटल के प्लेट, बड़े बड़े प्लेट, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखे हैं, इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस पूरे चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही बात कर रहे होंगे. दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये दोनों कंडक्टर हैं, ऐसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और आउटर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है. तो ये भी दो पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में ये जो इंसुलेशन है, ये गैप है, दे आर केप्ट एट अ सेपरेशन. तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज वाला ऐसे कंडक्टर का पेयर, इसको हम स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं. सिमिलरली हम अगर दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर इमेजिन करें, कोएक्सियल सिलेंडर्स, ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं, इनर कंडक्टर पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है और आउटर पे माइनस क्यू, तो दोनों कंडक्टर हैं और बीच में इंसुलेटर है, ठीक है. इस अरेंजमेंट को हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं. हम ऑफकोर्स इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, बट मोस्टली इस पूरे चैप्टर में हम पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही बात करेंगे. दो कंडक्टर्स, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज और बीच में इंसुलेशन, दो कंडक्टर हैं बीच में इंसुलेशन, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दो कंडक्टर हैं एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, बीच में इंसुलेशन, दैट इज ए कैपेसिटर. सो कैपेसिटर का नाम हम यूजुअली उसके प्लेट्स के शेप की बेसिस पे देते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर आर कॉमन काइंड्स ऑफ कैपेसिटर. लेट अस, एज आई सेड, वी विल बी मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको मैं सिंपली ऐसे टू डायमेंशनल ड्राइंग बना रहा हूँ, ऐसे ये ऐसा प्लेट है, इस वॉल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस वॉल के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है. ध्यान देना, सबसे पहले चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि ऐसी कोई भी चीज़ हम बनाएंगे क्यों, व्हाई डू वी नीड ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटर्स हैव गॉट वाइड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बट मोटा मोटी अभी मैं आपको ऐसा समझाऊं कि अगर एक कंडक्टर के ऊपर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा है, हमने चार्ज स्टोर करने के लिए कंडक्टर पे रख दिया, क्या ये चार्ज सेफ है? आंसर है नहीं, ये चोरी हो जाएगा बहुत आसानी से. अगर कोई जाए और इसको ऐसे टच कर दे तो कुछ चार्ज इस कंडक्टर से उसकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन इसी कंडक्टर के सामने अगर मैंने निगेटिव चार्ज वाला एक और कंडक्टर रख दिया तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांध के रखते हैं. अब जाके अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे टच करूं तो इस कंडक्टर से चार्ज मेरी बॉडी पे आ जाए, इसके चांस नहीं है.
क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसा जकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सामने आप एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख देते हो तो मोटा मोटी ऐसा समझो कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, इनकी चोरी फिर आसान नहीं। तो एक अच्छा चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, अभी मोटा मोटी ऐसा मान लो। हम आगे देखेंगे कि इट इज़ बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और अभी तुम सोचो कि ये चार्ज को स्टोर करके सेफली सिक्योर्ड रखने का एक अच्छा तरीका है। तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेटल के प्लेट पे अगर ऐसा क्यू वन और क्यू टू चार्ज दो, ये प्लेट अगर लार्ज प्लेट्स हो, छोटा सेपरेशन हो, तो आउटर वॉल पे जो चार्ज होता है वो क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू होता है और इनर वॉल पे रिमेनिंग चार्ज होता है। इस केस में अगर इसको तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया तो आउटर वॉल पे चार्ज कितना होगा? दिस प्लस दिस बाई टू, मतलब जीरो। तो अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू चार्ज दोगे ना तो सारा चार्ज इनर वॉल पे रहेगा। यहाँ इसकी पीठ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज यहाँ है। तो ये जो फेस एक दूसरे को कर रहे हैं सर्फेसेस, उन्हीं के ऊपर कंप्लीट चार्ज होगा। तो लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स विच हैव लार्ज डायमेंशन एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग लार्ज डायमेंशंस कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है, ये क्यों अजम्पशन ले रहे हैं हम? ये जब प्लेट लार्ज है और ये गैप बहुत छोटा है तो हम इन सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें तो मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट साइज के प्लेट है ना, और इन सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर है। जब ये प्लेट बहुत बड़े हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम है तो ये सभी पॉइंट्स के लिए प्लेट इनफाइनाइट साइज के हैं। मान लो प्लेट का एरिया जो है, दोनों प्लेट का एरिया ए है, ये अजम्पशन लेने से, ये जो अजम्पशन है क्योंकि लिटरली तो इनफाइनाइट साइज के प्लेट मिलेंगे नहीं हमें, और ना हम बनाएंगे ऐसा कोई कैपेसिटर जिसमें प्लेट का साइज इनफाइनाइट हो, पर ये अजम्पशन जब हम ले रहे हैं कि प्लेट्स आर लार्ज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, सो दिस अलाउज, दिस अजम्पशन अलाउज अस टू कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट सर्फेस, राइट? सो दिस अजम्पशन अलाउज अस टू कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द प्लेट्स। लेट अस अज्यूम दैट सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी। इन दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो डी है, और ये प्लेट का लेंथ, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो लेंथ और विड्थ दोनों ही डी से बहुत बड़े हैं। इस प्लेट का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है डी से, इस प्लेट का जो विड्थ है वो बहुत बड़ा है डी से। ये सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है, दोनों प्लेट सर्कुलर है, तो उस केस में रेडियस जो है प्लेट का वो डी से बहुत बड़ा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ऐसे में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है और वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। फील्ड कितनी होगी? इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से फील्ड इधर, निगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में। तो फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज directed from the positive plate to the negative plate.
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू दी निगेटिव प्लेट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और फिर से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. पहला क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड. दूसरा क्या लिखा? निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड. दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्यू बाय ए, ये सिग्मा है. दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड ये है. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ है. कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स? व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स? इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ध्यान देना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में डी डिस्टेंस चलें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म यहाँ ई और उसकी डायरेक्शन में डी लेंथ चलें, तो पोटेंशियल कितना घटता है? ई इंटू डी. तो अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट तक जाते हैं तो पोटेंशियल कितना कम हुआ? आंसर है ई इंटू डी. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज नथिंग बट ई इंटू डी. रिमेंबर, यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन में डी डिस्टेंस चले तो पोटेंशियल घटा, यहां से यहां का पोटेंशियल कम है, कितना? ई इंटू डी. फील्ड के ऑपोजिट चले तो पोटेंशियल बढ़ा, यहां से यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, कितना? ई इंटू डी. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज ई इंटू डी एंड ई इज ऑफ कोर्स दिस मच. तो प्लीज ध्यान दीजिए, हमने ये माना कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है. प्लेट का एरिया ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है. अब क्यू के टर्म्स में हमने इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी किया तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिला. और जरा कैपेसिटेंस का डेफिनेशन याद कीजिए. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटर पे चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स. इस एक्सप्रेशन से हम Q बाय V बहुत आसानी से लिख सकते हैं. Q बाय V, कुछ तो गलत लिखा है मैंने कहीं, हाँ ये D यहाँ है, वेरी सॉरी. Q बाय V निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. इस एक्सप्रेशन से Q बाय V निकालिए, एप्सिलॉन नॉट A बाय D. जी हाँ, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो. रिपीट, कैपेसिटर मींस एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज. हम अजम्पशन ले रहे हैं कि प्लेट का सेपरेशन प्लेट के डायमेंशन से बहुत छोटा है. इस अजम्पशन का फायदा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा मान सकते हैं, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? क्यू बाई ए सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया. पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की जगह क्यू बाय ए लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में डी डिस्टेंस चले तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इतना. अब कैपेसिटेंस होता क्या है इस कैपेसिटर का? क्यू बाय वी, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से क्यू बाय वी निकाला तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. दिस इज दी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. किस चीज पे डिपेंड करता है ये? इस पे कितना चार्ज दिया इस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, इस पे चार्ज कुछ भी रखो उससे क्या मतलब है. इसका कैपेसिटेंस तो प्लेट के एरिया, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है. प्लेट के बीच का डिस्टेंस और कम कर दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. एरिया बढ़ा दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. ये ऐसी बात है कि पानी की टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर है, पानी भले उसमें 200 लीटर रखो, कैपेसिटी तो 1000 लीटर ही है. तो ये जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी यही है. इस पे चार्ज तुम रखो या मत रखो, ज़्यादा रखो या कम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कैपेसिटेंस इज ए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी.
इट इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।